सप्ताह भर से दुर्ग के अधिकांश वार्ड में पीने के पानी की काफी परेशानी हो रही थी। वही वार्ड 40-41 केलाबाड़ी में भी लोग पानी के लिए विगत सप्ताह भर से परेशान थे, जिसका वार्ड पार्षद की सक्रियता के चलते लोगों को अब राहत मिल सकी है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर के अधिकांश भागों में पेयजल सप्लाई को लेकर वार्डों में पीने के पानी की किल्लत के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में दुर्ग के वार्ड 40 केलाबाड़ी में भी विगत सप्ताह भर से लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटकते नजर आए, जिसको लेकर दुर्ग नगर निगम के द्वारा वार्ड में टैंकर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था भी कराई गई, लेकिन वार्ड काफी बड़ा होने के नाते सभी जगह वार्ड में टैंकर आसानी से नहीं पहुँच सका। गौरतलब है कि इसी कड़ी में बुधवार को केलाबाड़ी चौक पर वार्ड पार्षद हमीद खोकर की सक्रियता से चौक से के घर के पास से गड्ढा खोदकर मेन पाइपलाइन को चेक किया गया, जिसके अंदर से एक बड़ा कपड़ा का टुकड़ा निकला, जिससे पानी सप्लाई आगे तक नहीं हो पा रही थी। वहीं वार्ड पार्षद ने बताया कि नगर निगम के जल प्रभारी की लापरवाही के चलते लोगों को सप्ताह भर से पानी को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 6 तारीख से हमारे यहाँ पानी की, जैसे बाबाडा चक्की है, बाबा की दरगाह है, सैयदवाड़ा है, हमारे पीछे नए मस्जिद है, पूरा नूरी मस्जिद के आसपास के एरिया में लगभग 1,000 घरों में 6-7 दिन से पानी नहीं आ रहा है। लगातार हम निगम से संपर्क कर रहे हैं ठाकुर साहब से कि इसको पानी चालू कराइए, इसका रिपेयरिंग करिए, इसको दिखाइए। देख रहा हूँ करके 3-4 दिन पहले महापौर जी से मीटिंग भी हुई उनकी विभाग की कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, जब यहाँ पर पाइप टन इसके आगे पानी आ रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा है। तो आज जाकर फिर आज मैं सुबह गया तो 4-6 लेबर दिए, फिर बोले जेसीबी नहीं है, तो जेसीबी मैं निगम की बुलाया, तुरंत फ़ोन किया सोएब को, मतलब गाड़ी जेसीबी भेजो यार, तो जेसीबी भेज के खुलवाया तो यहाँ पाइप में कपड़ा निकला है, जो पैंट है वो फंसा हुआ था। मेरा कहने मतलब ये 5 दिन पहले भी काम हो सकता था, अगर जागरूकता दिखाते और काम करने के इनके अंदर शक्ति होती, 6 दिन पहले ये काम हो सकता जो आज हुआ है। 6 से 7 दिन यहाँ तक कि हमारा बकरीद का त्यौहार है, उसमें भी हम लोगों ने पानी के लिए तराई मच गई। तो 7-8 टैंकर 4 टैंकर 5 टैंकर हर पॉइंट में भिजवाते गए। आज भी लगभग मैं आप देख लीजिए सामने भी टैंकर खड़ी है आपके, लगभग 7-8 टैंकर सुबह से भिजवाए हैं। हम भूखे प्यासे 12-12 1-1 बजे तक वार्ड की सेवा कर रहे हैं कि भाई लोगों को पानी की तकलीफ नहीं आए, पर टैंकर से कब तक भराएंगे, हमारे घर की बहू बेटियाँ कब तक बाहर जाकर टैंकर भर, ये गलत बात है। कब तक पूरा हो जाएगा ये काम? अब बता रहे 1-2 घंटे में पानी आ जाएगा। ये मेरा ये कहना है, इस बात का मुझे दुख है कि ये काम 6 दिन पहले भी हो जाना था, तो आज 6 दिन हमारे वार्ड की जनता इसको तरसती नहीं, तरसती नहीं, इस चीज़ का मुझे दुख है बस। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।